समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार तीसरी बार पार्टी अध्यक्ष बन गए हैं। गुरुवार को लखनऊ के रामाबाई मैदान में हुए एसपी अधिवेशन में अखिलेश को अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि हम मिलकर लड़ेंगे और एसपी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार को लोगों ने नहीं बनाया, यहाँ तो एसपी की सरकार बन गई थी जिसे इन लोगों ने छीनी है। पूरी की पूरी मशीनरी लगाकर आपकी सरकार छीनी गई, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह पता था कि यूपी में सरकार का जाना मतलब दिल्ली में भी सत्ता से हाथ धोना है। जो बनी है ये सरकार जनता की बनाई हुई नहीं है, ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हों, 20,000 वोट न काट दी हों। और हम तो कहते हैं कई बार का और आज भी कहते हैं, जांच ने जांच करके देख लें तो आज भी 20,000 वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। बता दें कि साल 2014 में अखिलेश यादव को पहली बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था और उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की जगह ली थी। इसके बाद अक्टूबर 2017 में आगरा में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश को दोबारा सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था और अब तीसरी बार भी उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।